सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंक सिक्योर आईएएस एकेडमी। मेरा नाम गौतम लखानी है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं हिस्ट्री ऑप्शनल क्रैश कोर्स में। इस कोर्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं पेपर वन और पेपर टू के सारे टॉपिक्स ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल इन अ वे ऑफ अ क्रैश कोर्स। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि दैट अन अकेडमी इज कमिंग अप विद द 3 डायनामिक बैचेस, और जो ये बैचेस रहेंगे ये हेल्प करेंगे आपकी कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन 2021 के लिए। 27 जुलाई यानी कि कमिंग मंडे से जो है ये बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, अगर इन बैचेस के बारे में बात करें हम, तो 3 तरह के बैचेस यहाँ पर रहेंगे ये। सो जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होंगी विद एनालिसिस, और साथ में जो है डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, और इंटरव्यू तक की आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है, 3 तरह के बैचेज हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिसमें कि बायलैंग्वल जीएस कोर्स जो कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, फिर हिंदी जीएस बैच कोर्स जो कि प्योर हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, और तीसरा है इंग्लिश जीएस बैच कोर्स जो कि प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। जब भी आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करें, यूज करिएगा हमारा रेफरल कोड, आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। सो अगर मैं आपको यहाँ थोड़ा सा फटाफट अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में जानकारी दूँ, तो अकॉर्डिंग मतलब मंथली बेसिस के हिसाब से हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। 6 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक का ड्यूरेशन है जिनमें, और आप 25% से लेकर के 67% तक की कॉस्ट सेव भी यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे जो खास बात है वो ये है कि पेमेंट के लिए यहाँ पर आपको मिल रहा है नो कॉस्ट EMIs का ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन प्लान यू कैन पे इन EMIs ऑल्सो 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स। बात करें अगर 12 मंथ्स वाले कोर्स की, जिसकी फीस है 44,000 रुपीज, जब आप हमारा दिया गया रेफरल कोड रैंक 10 यूज करेंगे तो यहाँ आपको पड़ जाएगा 10% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर, और ये आपको 44,000 वाला कोर्स मिल जाएगा 39,600 रुपीज में। कोई भी क्वेरी है आपकी तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो आइए आज के सेशन की तरफ चलते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो है बात करने वाले हैं वकाटकास के बारे में, और अजंता केव्स के आर्ट एंड आर्किटेक्चर को आज के सेशन में हम लोग समझेंगे। सो शुरू करने से पहले फटाफट से आप एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आई एम ऑडिबल टू यू ऑल और नॉट। आप एक बार बता दीजिए कि आपको सब सही से दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को बता दीजिए जल्दी से। ओके, सो आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे हम, सबसे पहले बात करेंगे वकाटकास की। ठीक है, वकाटकास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री वकाटकास की, फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वकाटका रूलर आए उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अजंता आर्ट एंड कल्चर, जिसके अंदर हम रॉक कट आर्किटेक्चर को समझेंगे, स्कल्पचर्स को देखेंगे, और पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो म्यूरल पेंटिंग्स हैं अजंता की जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो आज के सेशन की अगर हम बात करें गाइस, तो ये सेशन जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के साथ साथ पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आर्ट एंड कल्चर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा आज का। तो बात करेंगे वकाटकास की। देखिए 3rd century AD तक आते आते क्या हुआ कि जो सातवाहनास थे जो कि डेक्कन वाले पार्ट में रूल कर रहे थे वो होने लग गए थे डिक्लाइन। साथ साथ जो वेस्टर्न इंडिया यानी काठियावाड़ वाला जो एरिया है, गुजरात वाला जो एरिया है, वहां पर थे कौन, वेस्टर्न क्षत्रपास। कौन थे ये वेस्टर्न क्षत्रपास, ये शक्स की ब्रांच थे, जो शकास आए थे, इंडो-सिंथियंस आए थे, उनकी ब्रांच थे। और उसके बाद जो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में क्या हो गया था, गुप्ताज ने आकर के रिप्लेस कर दिया था कि नहीं कुषाण्स को, तो वहां पर अब गुप्ताज हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री देखिए आप, 3rd century तक आते आते हुआ क्या, सातवाहनास डिक्लाइन हो गए। वेस्ट में कौन है, वेस्टर्न क्षत्रपास हैं, और नॉर्थ में कौन है, हमारे गुप्ताज हैं। गुप्ताज के बारे में हमने कल के सेशन में डिस्कस करा था, मतलब इससे पहले वाले सेशन में। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये नोट्स की एक्सेस चाहिए तो इन नोट्स का PDF जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो अब पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा था उस टाइम पे इंडिया का, कि वेस्ट में है वेस्टर्न क्षत्रपास, नॉर्थ में है हमारे पास गुप्ताज, और जो डेक्कन वाला एरिया है, ठीक है, मालवा के साउथ का जो एरिया है और तुंगभद्रा के नॉर्थ का जो एरिया है, वहां पर क्या है, सातवाहनास कर रहे हैं डिक्लाइन, और एक नई पॉलिटिकल पावर जो है निकल करके आ रही है जिनका नाम है वकाटकास। क्या नाम है इनका, वकाटकास।
तो ये लोग जो रूल कर रहे थे ये करते थे नॉर्दर्न महाराष्ट्र वाला एरिया में, और थोड़ा सा जो विदर्भ वाला एरिया आ जाता है ना, बेरार वाला एरिया, वहां पर। तो सातवाहनास को सक्सीड किसने करा यहाँ पर? वकटकाज ने करा। कौन थे ये वकटकाज? ये लोकल पावर थे। कहा जाता है कि ये लोग जो थे ये सातवाहनास के क्या थे, पहले सबॉर्डिनेट थे। तो जैसे जैसे जो है सातवाहनास कमजोर होते चले गए, डिक्लाइन होता चला गया सातवाहनास का, वकटकाज का वहां पर एमर्जेंस हमें देखने को मिला। कंटेम्प्रेरी किसके हैं ये? गुप्तास के कंटेम्प्रेरी है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। तो ये जो है मिड थर्ड सेंचुरी में जो है डेक्कन वाले एरियाज में वेकटकाज का जो है ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। अगर इनके एम्पायर की बात करें, किस एरिया में ये लोग एक्सटेंड करते थे, तो ये लोग एक्सटेंड करते थे मालवा जो हो गया ना, सदर्न एजेस ऑफ मालवा एंड गुजरात वाला जो एरिया है वो है इनका नॉर्दर्न पॉइंट, और तुंगभद्रा रिवर के साउथ, जो तुंगभद्रा रिवर है वो साउदर्न पॉइंट है इनका, ठीक है। और अरेबियन सी से लेकर के छत्तीसगढ़ जो है ईस्ट में, ये इनकी क्या है, कुछ इनकी पॉलिटिकल बाउंड्रीज है। आप ये देखिए मैप में, यहाँ पर ये मालवा के नीचे वाला एरिया, गुजरात के नीचे वाला एरिया यहाँ से शुरू हो रहा है, और जहाँ यहाँ पे जो तुंगभद्रा रिवर बह रही है, तुंगभद्रा साउथ लगता है इसका, और इधर जो है वेस्टर्न घाट्स हो गए, और यहाँ पर हल्का सा छत्तीसगढ़ वाला एरिया आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर जो है क्या, कौन थे ये? वकटकाज निकल करके आ रहे थे, एमर्ज हो रहे थे। इधर है वेस्टर्न क्षत्रपास, देखिए आप वेस्ट में गुजरात वाले एरिया में, और यहाँ पर कौन है? गुप्ताज है नॉर्थ में। तो हुआ क्या, इनके बारे में बात करें, जानकारी कहाँ से मिलती है, क्या सोर्सेज हैं वकटकाज के बारे में? तो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो मिलती है हमें एक तो इंस्क्रिप्शन से, इन्होंने इनके बारे में जानकारी सबसे पहले मिलती है इंस्क्रिप्शन से, और दूसरी जो इनका सोर्स है जानकारी का वो है पुराण। पुराण में भी वकटकास के बारे में काफी इंपॉर्टेंट सोर्स दिया गया है। अगर इनके रिलीजन के बारे में बात करें तो कौन थे ये? ब्राह्मण्स थे, दे आर ब्राह्मण्स बाय रिलीजन। और इन लोगों को जाना जाता है सबसे ज्यादा कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट्स के बारे में जो इन्होंने इशू करे थे, यानी कि यही जो है क्या है, इंस्क्रिप्शंस भी हैं एक तरीके से इनके। जैसे कि हमने गुप्तास के टाइम पर पढ़ा था कि क्या करते थे ये लोग, लैंड ग्रांट्स देते थे, ठीक है, ब्राह्मण्स को देना या कुछ और लोगों को देना। इससे क्या हो रहा था, फ्यूडलिज्म भी एमर्ज हो रहा था, साथ साथ क्या है, रिलीजियस डोनेशंस भी हो रही थी। जो रिलीजियस लैंड ग्रांट्स दी जाती थी वो टैक्स फ्री होती थी, और जो किसी अपना नोबल को दी जाती थी, किसी बंदे को दी जाती थी, वो क्या होती थी, वो टैक्स वाली टैक्सेबल होती थी उस पे इनका। तो ये जो लैंड ग्रांट्स है वकटकास के टाइम पर भी हमें बहुत ज्यादा देखने को मिली है। अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करें, ठीक है, आज के टाइम की बात करें, तो आज अगर हम लैंड का किसी का हमें डिस्क्रिप्शन देखना होता है, क्या होता है हमारे पास, एक पेपर की कॉपी होती है जिसे बैनामा बोला जाता है, ठीक है, या अब तो आप डिजिटल भी जाकर के एक्सेस कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, बट उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो ज्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स को, तो कॉपर प्लेट पे जो है लैंड ग्रांट्स के बारे में जानकारी होती थी, जो कॉपर प्लेट होती थी उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखे होते थे, जो कि एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का काम करती थी, ठीक है। तो वही जो है कॉपर प्लेट लैंड ग्रांट्स के इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमें वकटकास के टाइम पर बहुत सारे देखने को मिले हैं। तो ये हो गया उनका कुछ पॉलिटिकल, इनकी जहां पर ये लोग रहते थे, जहां पर ये लोग थे, डायनेस्टी देख लिया हमने, इनके एम्पायर का एक्सटेंट देख लिया यहाँ पर। अब बात करेंगे अगर हम इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री की, देखिए किसी का भी कोई भी डाउट आता है बीच में, आप सेशन में मेरे से कमेंट सेक्शन में आकर के पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को जो है क्लियर करता चलूंगा साथ के साथ। ये नहीं होना चाहिए कि कोई डाउट आ रहा है और आप मेरे से पूछे ना, समझे ना उस चीज को। तो किसी का कोई भी डाउट है प्लीज आप जो है मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से एक बार पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्रीज की, कौन था इनका फाउंडर, किस गोत्र से या किस क्लैन से जो है ये लोग बिलोंग करते थे। विद्याशक्ति वन जो है वो इनका फाउंडर माना जाता है, ठीक है, विद्याशक्ति वॉज द फाउंडर ऑफ द वकटका डायनेस्टी। अगर इनके बारे में बात करें हम विद्याशक्ति के, तो कुछ जो वकटकास के इंस्क्रिप्शन है जो कि अजंता वाले एरिया से मिले हैं, उनमें जो है विद्याशक्ति को बोला गया है द्विज, ठीक है, क्या बोला गया है इनको, द्विज के नाम से इनको बोला गया है। और अगर बात करें इनके रिलीजन की, ये ब्राह्मण्स थे बाय रिलीजन, ठीक है, ये लोग कौन थे, ब्राह्मण थे बाय कास्ट। वहीं अगर हम बात करें अगर कौन से गोत्र को बिलोंग करते थे, तो ये विष्णु वृहद गोत्र को जो है बिलोंग करते थे। अगर इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो दे वर सिचुएटेड इन द डेक्कन पोर्शन, ठीक है,
टेकिन पोर्शन में सिचुएटेड होने के बावजूद जो इनके लिंक रहे वो ज्यादा इनका लिंक किससे रहा, नॉर्थ इंडिया से ज्यादा लिंक रहा बजाय कि साउथ इंडिया से, यानी कि इनके जो रिलेशंस थे वो नॉर्थ इंडिया के साथ ज्यादा बेटर थे एज कंपेयर टू द साउथ इंडिया. सो व्हाट दे डिड इज दे एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन द नॉर्दर्न इंडिया एंड द सदर्न इंडिया. अगर बात करें हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट टाइम के बारे में, तो चंद्रगुप्त सेकंड जो थे समुद्रगुप्त के बेटे, ठीक है, उन्होंने जो है अपनी बेटी का विवाह प्रभावती गुप्त का विवाह जो है किससे किया था, वकटकास के साथ जो है इनका विवाह करा था. कौन थे वो रूलर, रुद्रसेन सेकंड के साथ इन्होंने विवाह करा था. क्यों करा था ऐसा, ये मैट्रिमोनियल अलायंस किया गया था गुप्ताज की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि जो गुप्ताज हैं वो मालवा और गुजरात में जो वेस्टर्न क्षत्रपास थे, शक क्षत्रपास थे, उनको हरा सके. आप सबको ध्यान होगा जब हमने चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ा था गुप्ता डायनास्टी वाले सेशन में, तब हमने जिक्र करा था कि कैसे जो है चंद्रगुप्त सेकंड ने वेस्टर्न क्षत्रपास को हरा करके टाइटल लिया था, किसका, विक्रमादित्य का टाइटल लिया था. और उस कॉन्क्वेस्ट से पहले जो है यहाँ पर इसने जो है अपनी बेटी का, अपनी पुत्री का विवाह जो है किनके साथ किया था, वकटकास के साथ. अब देखिए अगर आप ये थोड़ा सा मैप में समझिए, तो यहाँ पर कौन है, वकटकास है. इन केस अगर यहाँ से चंद्रगुप्त सेकंड निकलता तो उसको जो है अपना साउथ में खतरा होता, ठीक है, इनको अटैक करने के लिए इनके ऊपर उज्जैन वाले एरिया में. तो इसने क्या करा कि वकटकास के साथ जो है मैट्रिमोनियल अलायंस कर लिया, तो साउथ से इसको क्या मिल गया, यहाँ पर एक प्रोटेक्शन मिल गया चंद्रगुप्त सेकंड को, जिस वजह से वेस्ट में जाना, वेस्ट में कॉन्क्वेस्ट करना इसके लिए बहुत ज्यादा आसान और इजियर हो गया. ठीक है, अगर हम बात करें इनके अलावा, गुप्ताज के अलावा जो है इन्होंने काफी सारे और मैट्रिमोनियल टाइज अप करे इन्होंने वकटकास ने, इनके जो है गुप्ताज के अलावा नागास के साथ भी जो है क्या थे, मैट्रिमोनियल अलायंसेस से, साथ साथ कदम्स के साथ भी मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे. कहाँ थे ये कदम, ये लोग कर्नाटका वाले एरिया में थे. उसके अलावा जो है आंध्रा में जो विष्णु कुंडिन्स हैं, इनसे भी जो है इनके अलायंस थे. ये सब कौन है, ये माइनर चीफटेन्स हैं साउदर्न इंडिया की, तो इन सब के साथ जो है इनके अलायंसेस थे. ये हो गया कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में. वहीं अगर बात करें हम इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो जो अजंता केव्स हैं, वो अजंता केव्स जो हैं उसमें जो है इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. और जो हरिशेन है वो जो है इनके एक रूलर हैं, वकटका रूलर हैं हरिशेन, इनके बारे में जो है बहुत ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है अजंता केव से, और इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा कल्चरली कंट्रीब्यूट करा अजंता आर्किटेक्चर के अंदर भी. वहीं अगर हम बात करें वकटका रूल की, कितने टाइम पीरियड तक ये लोग रहे, तो ये लोग मिड थर्ड सेंचुरी से लेकर के लेट फिफ्थ और अर्ली सिक्स सेंचुरी तक ये लोग रहे. मिड थर्ड का क्या मतलब है, अप्रॉक्स 250 AD, ठीक है, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है यहाँ पर डाउट हो जाता है, कई लोगों को लगता है कि थर्ड का मतलब है 300 शुरू हो गया है यहाँ पर, नहीं, 250 AD यहाँ पर. और लेट फिफ्थ का मतलब क्या हो गया, कि जो लेट फिफ्थ सेंचुरी है यानी कि 480 से, मान लीजिए आप 480 से लेकर के यहाँ पर अर्ली सिक्स का क्या मतलब है, 510 या 20 तक की जो है AD, ठीक है, ये टाइम जो है माना जाता है वकटकास का. तो अगर हम हिसाब लगा करके देखें तो कुल मिलाकर के 200 से लेकर के 250 साल जो है इन्होंने रूल करा यहाँ पर, ठीक है. सो अब बात करेंगे हम इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में, दैट हु वर द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द वकटका डायनेस्टी. उसको यहां पर डिस्कस करने से पहले यहां मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको अनअकैडमी प्लस के बेनिफिट्स के बारे में यहां मैं बताना चाहूंगा आपको. अनअकैडमी प्लस की अगर हम बात करें, क्या बेनिफिट्स होंगे इसको ज्वाइन करने से, तो जैसे कि आप सबको पता है कि NCERT का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी प्रिपरेशन में, UPSC प्रिपरेशन में खासकर. तो आप अगर अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ आपको 6th to 12th की जो है NCERTs की एक्सेस मिलेगी, साथ साथ जितने भी कोर्सेज हैं उनको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी और एक प्लेटफॉर्म मिलेगा. इसके साथ साथ इकोनॉमी कोर्सेज, ज्योग्राफी कोर्सेज, पॉलिटी कोर्सेज और साइंस एंड टेक के कोर्सेज जो है यहाँ पर आपको मिलेंगे. साथ साथ जो एस्पिरेंट्स के आगे प्रॉब्लम रहती है नोट्स की, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 500 पेजेस का कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करने पे, जो कि सारे के सारे GS पेपर्स और सब सब्जेक्ट्स को जो है क्या करेंगे, कवर अप करेंगे. इसके अलावा जो है आपको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप भी मिलेगी व्हाट्सएप और कॉल के थ्रू फ्रॉम आरती मिश्रा मैम, और साथ साथ जो है कोई भी डाउट होगा आपका तो वो मैम आपका क्लियर करेंगी यहाँ पर, ठीक है. और उसके अलावा जो है आपको जितनी भी स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स हैं उनका PDF कंपाइलेशन भी मिलेगा, तो आपको बुक्स के ऊपर पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है. वहीं अगर बात करें, अगर जो हमारा दिया गया रेफरल कोड है RANK10, जब भी आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे एट द टाइम ऑफ अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यहाँ आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट, ओके. वहीं अगर हम बात करें जो हमारा
आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप भी जो है क्या कर सकते हैं हमें। अब आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट वकटका रूलर्स के बारे में। डायनेस्टी के बारे में हमने थोड़ा सा समझ लिया, इनके कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में समझ लिया, बट अब देखेंगे कौन इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे। तो अगर वकटकास के इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो सबसे पहले आते हैं विद्याशक्ति वन। ठीक है, विद्याशक्ति का जो टाइम माना जाता है वो माना जाता है फर्स्ट 20 ईयर्स, यानी कि 250 AD से लेकर के 270 AD तक। और ये कौन थे? ये फाउंडर थे वकटका डायनेस्टी के। और इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो एक अजंता के इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिन इन्हें यहाँ पर क्या उसमें क्या बोला गया, द्विज इनको बोला गया है उसमें। ओके, तो और ये कौन थे? ब्राह्मण थे बाय रिलीजन वकटका, तो द्विज जो है इनको वहां पर बोला गया है। वहीं अब बात करें सेकेंड इंपॉर्टेंट रूलर की, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं प्रवरासेन वन। प्रवरासेन वन का जो टाइम है वो है 270 से लेकर के 330 तक, यानी कि अप्रॉक्स 50 ईयर्स जो है इन्होंने रूल करा। और बहुत ज्यादा टेरिटोरियल एक्सपेंशन करा वकटकास का, यहाँ पर काफी सारे इन्होंने युद्ध लड़े। नागास जो उस टाइम पर एक इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, तो नागास के खिलाफ भी जो है इन्होंने वॉर कंडक्ट करे। और जब जैसे कि हमने नागास के बारे में पढ़ा था कि वो एक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पावर थे और साथ साथ वो मिलिट्री भी एफिशिएंट थे बहुत ज्यादा, तो इन्होंने क्या करा अपने बेटे का गौतमी पुत्र का जो है, ठीक है, उसका जो है नागा प्रिंसेस के साथ क्या कर दिया, विवाह कर दिया। ठीक है, किसने करा? प्रवरासेन वन ने। तो नागा प्रिंसेस भाव नागा के साथ जो है इन्होंने अपने बेटे का विवाह कर दिया। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अलायंस रहा किसके बीच में? वकटकास के बीच में, और किसके बीच में? नागास के बीच में। इससे क्या रहा, नागास को एक वकटकास को एक क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया डेक्कन वाले एरिया में। उसके अलावा अगर हम बात करें इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है पुराणा से, तो पुराण बताते हैं कि इन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करे। जैसे कि मैंने आपको बताया ये कौन थे, ये लोग ब्राह्मण थे, तो इन्होंने वाजपेयी सेक्रीफाइस, वाजी मेधा सेक्रीफाइस, और इसके अलावा जो है इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है कि इन्होंने 4 अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस भी करे थे इन और सेक्रीफाइसेस में अगर बात करें। और ये पहले ऐसे वकटका किंग थे या इकलौते ऐसे वकटका किंग थे जिन्होंने सम्राट का टाइटल लिया। तो इस टाइटल से और इनके अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस से जो है पता लगता है कि कितनी ज्यादा जो है इन्होंने पॉलिटिकल अचीवमेंट और मिलिट्री और टेरिटोरियल अचीवमेंट करी थी वकटकास के रूलर ने। फिर प्रवरासेन वन के बाद आते हैं कौन? रुद्रसेन सेकंड। रुद्रसेन सेकंड वाज द अनदर इंपॉर्टेंट रूलर। इनका जो है विवाह हुआ था किसके साथ? प्रभावती गुप्त के साथ इनका जो है विवाह हुआ था। कौन थी ये चंद्रगुप्त सेकंड की क्या थी? बेटी थी, पुत्री थी, यानी कि गुप्ता प्रिंसेस के साथ जो है इनका विवाह हो गया। और खैर इस विवाह के कुछ टाइम बाद ही जो है रुद्रसेन की डेथ हो गई। अगर इस विवाह के बारे में बात करें तो इसके बारे में अभी मैंने आपको शुरुआत में ही जो है एक डिटेल में समझाया था कि क्यों ये विवाह हुआ और इस मैट्रिमोनियल अलायंस से गुप्तास को क्या फायदा हुआ और वकटकास को क्या फायदा हुआ यहाँ पर। तो इस विवाह के कुछ टाइम बाद ही जो है रुद्रसेन सेकंड की यहाँ पर डेथ हो जाती है 385 AD में। और इनके जो है 2 पुत्र होते हैं जिनका नाम होता है दामोदर सेन और दूसरा होता है प्रवरासेन सेकंड। और दोनों के दोनों यहाँ पर क्या है इस टाइम पर? माइनर्स हैं। तो क्या करते हैं यहाँ पर? प्रभावती गुप्त जो है, कौन है ये? चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी। ये क्या करती हैं? पूरा का पूरा रैन और जो पूरा का पूरा गवर्नेंस है ये जो है संभालती हैं बहुत लंबे टाइम तक, जब तक इनके दोनों बेटे जो है आगे चल करके बड़े नहीं हो जाते। और इस पीरियड में अगर हम एक सिंपल वे में बात करें तो वकटका एम्पायर जो है वो क्या हो गया था? एक तरह से गुप्ता एम्पायर का पार्ट हो गया था। क्यों? क्योंकि इनको जो है उधर से चंद्रगुप्त सेकंड और गुप्ता एम्पायर का पूरा सपोर्ट था। और कई हिस्टोरियंस जो है मानते हैं इस एज को बोला जाता है, जिस एज में प्रभावती गुप्त ने रूल करा उस एज को बोला जाता है वकटका गुप्ता एज। ओके, सो ये था रुद्रसेन सेकंड के बारे में और प्रभावती गुप्त के बारे में। इसके बाद आते हैं प्रवरासेन सेकंड। ठीक है, कौन है ये? रुद्रसेन सेकंड के बेटे हैं। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से। इन्होंने बहुत ज्यादा जो है क्या करे, लैंड ग्रांट्स करे और काफी बड़ी तादाद में जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है जिनके बारे में आपने आपको शुरुआत में समझाया था वो इनके राइन से ही बिलोंग करते हैं। साथ साथ जो है इन्होंने कल्चरली भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा। इन्होंने जो है एक डेडिकेटेड टेम्पल बनवाया भगवान राम का अपनी कैपिटल में। साथ साथ जो है इनके बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वो प्राकृत वर्क से मिलती है, जो कि है सेतु बंधु या जिसको क्या बोला जाता है, रावण वहो। ये जो है राम की जो जर्नी है लंका जाने वाली और जहां पर जाके श्री राम
रावण को हराते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, उसके बारे में जानकारी यहाँ हमें मिलती है। तो ये सब टेक्स्ट भी जो है प्रवार सेन टाइम के ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इनका कंट्रीब्यूशन। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वकटका रूलर जिनका नाम है हरिशेन। जो हरिशेन थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने कल्चरली बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन करा। कैसे? टाइम खैर इनका थोड़ा ही रहा, 25 इयर्स तक ही जो है इन्होंने रूल करा। हालांकि ये जो है बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बहुत बड़े पैटर्न थे। इन्होंने जो है बहुत लंबी, बहुत बड़ी तादाद में जो है अजंता केव्स में जो है क्या कराया, आर्किटेक्चर कराया, वहां पर पेंटिंग्स कराई, वहां को उसको कल्चरली इन्फ्लुएंस किया। अगर हम बात करें जो रॉक कट आर्किटेक्चरल है, ठीक है, कहाँ का, अजंता केव्स का, तो उसमें जो है हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है, 16 इंस्क्रिप्शन जो है उसका मिल रहा है, वो बताता है हमें इनके पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में। बताता है कि जो हरिशेन है उसने मालवा वाले एरिया को जो है नॉर्थ में उसको कैप्चर करा, साथ साथ कौशल यानी कि छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है उसको कैप्चर करा कंक्वेस्ट में, और कलिंग और आंध्र तक जो है ये ईस्ट में पहुंच गए। इसके अलावा सेंट्रल और सदर्न गुजरात वाला जो एरिया है उसके भी इन्होंने कैप्चर करा, और नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है प्रेजेंट डे की, वहां से लेकर के सदर्न महाराष्ट्र वाले एरिया तक को जो है इन्होंने कैप्चर करा। यानी कि इन्होंने बहुत ज्यादा अपनी क्या बनाई, अपना टेरिटोरियल एम्पायर का एक्सटेंट हुआ हरिशेन के टाइम पर। तो कल्चरली भी और पॉलिटिकली भी जो है हरिशेन ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करा। जो इनके एक मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका, वराहा देव, ठीक है, और इनके जो हरिशेन के बेटे थे हस्ती भोज, इन्होंने जो है काफी सारे रॉक कट विहारा जो है अजंता के अंदर क्या कराए, बनवाए, ठीक है। अगर हम बात करें इनके टाइम के बुद्धिस्ट केव्स की जो अजंता पर बनवाई गई, उसमें जो है दो तो विहार बनवाए गए और एक चैत्य बनवाया गया, ये साथ में उनके आगे आप केव नंबर पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है। और ये सब चीजें जो है हरिशेन के रैन में ही हुई। तो जो अजंता वाला एरिया है उसको बहुत ही ज्यादा एक्सकेवेशन कराई गई वहां पर, और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको स्कल्पचर्स के थ्रू, पेंटिंग्स के थ्रू जो है उसको डेकोरेट कराया गया। तो यहाँ पर हमने अब तक जो है डिस्कस कर लिया वो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में, और देखा किस तरीके से वकटकाज ने जो है क्या करा था, अजंता आर्ट को जो है बहुत ज्यादा पैट्रनेज करा था वहां पर। अब हम बात करेंगे अजंता आर्ट की। अजंता आर्ट के बारे में बताने से पहले यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा, वो ये है कि अभी पीछे संडे को यानी कि 19 जुलाई को जो है मैंने एक 3 आवर्स का मैराथन सेशन लिया था, जिसमें कि हमने हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया जो कि सतीश चंद्रा की बुक है उसको जो है समराइज्ड किया था। 3 घंटे का ये कॉन्टिन्यूस सेशन था। आप अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के ये सेशन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में जो है हमने पार्ट 1 को जो है डिस्कस करा है, और जो अगला सेशन होने वाला है वो जो है 26 जुलाई यानी कि अगले संडे को दोपहर 12 बजे होने वाला है। तो पार्ट 2 आप वो भी जरूर देखिएगा, 3 आवर्स ऑफ मैराथन सेशन, जो पार्ट 2 रहेगा एंटायर मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का सतीश चंद्रा द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अजंता आर्ट की। सो गाइस, किसी का कोई भी क्वेश्चन है यहां तक तो प्लीज मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, जिसका जो भी क्वेश्चन है आप प्लीज मेरे से पूछिए। ओके, सो जो भी किसी का क्वेश्चन रहेगा आप प्लीज मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। अभी तो हम फिलहाल आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे अजंता आर्ट की। तो जो अजंता आर्ट है, ठीक है, सॉरी एक चीज यहाँ पे मैं आपको पहले बताना भूल गया, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि इन्होंने टेम्पल्स वगैरह भी कंस्ट्रक्ट कराए वकटकाज ने, तो वकटकाज के टाइम पर टेम्पल आर्किटेक्चर में क्या हुआ, एक बहुत बड़ी हमें चेंज देखने को मिला। और वो चेंज क्या था कि जो पहले टेम्पल्स बनवाए जाते थे वो बनवाए जाते थे किसके, ब्रिक्स द्वारा बनवाए जाते थे, ईंटों के द्वारा बनाए जाते थे। और वकटकाज के टाइम पर वो टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा हो गया, वो स्टोन्स की तरफ चला गया, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों को जो है रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ से शुरू हो गया था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है ये वकटकाज के टाइम पर, जो मैंने आपको अभी पीछे बताना रह गया था। सो अब हम बात करेंगे किसकी, अजंता आर्ट की। तो जो अजंता केव्स हैं, ठीक है, उसमें जो आर्ट हुआ उसको बोला जाता है अजंता आर्ट। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये क्या है, रॉक कट केव्स हैं। कहाँ पर सिचुएटेड हैं, इनके लोकेशन की बात अगर हम करें तो सह्याद्री रेंज कौन सी हो गई है, यानी कि वेस्टर्न घाट्स जो हैं उसमें जो है इनका जो है क्या है सिचुएटेड है ये, वहां पर कहाँ किस एरिया में, महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास जो है ये सिचुएटेड है। प्रेजेंट डे की लोकेशन बता रहा हूँ मैं आपको ये। अगर केव्स की बात करें कितनी केव्स हैं, तो 29 केव्स हैं, और सारी की सारी क्या है, बुद्धिस्ट केव्स हैं। जितनी भी केव्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं। इनके अंदर क्या है, 25 तो हैं विहार, विहार का मतलब मोनेस्ट्रीज, जहाँ पर
बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह रहते थे, और दूसरे हैं चार जो हैं वो क्या है, चैत्यास हैं। चैत्यास का मतलब क्या होता है, प्रेयर हॉल्स, जहां पर ये लोग प्रे करते थे बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो इस तरीके से 29 केव्स हैं और वो विहार और चैत्या में जो है क्या है, डिवाइडेड है। अगर बात करें कि इस टाइम पर इनका डेवलपमेंट हुआ, तो जो ये केव्स हैं ये डेवलप हुई थी 200 BC से लेकर के 650 AD के टाइम पर, ये जो है डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है इनका। सबसे ज्यादा जो इनका डेवलपमेंट हुआ, सबसे ज्यादा जो ये केव्स बनवाई गई, वो बनवाई गई सातवाहनास के टाइम पर और वकटका किंग्स के टाइम पर, जिसमें जो है हरिशयन, जो वकटका किंग थे जिनके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा, उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करा। इनके बारे में जो जानकारी है अजंता केव्स के बारे में, वो फाहिन, कौन थे फाहिन, एक बुद्धिस्ट ट्रेवलर थे जो कि कब आए थे, गुप्ता एम्पायर में आए थे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पर, ये भी जानकारी देते हैं अपने टेक्स्ट में, अपने ट्रेवल अकाउंट्स में। और उसके अलावा जो ह्यूनसांग आए थे, कब आए थे, ये हर्षवर्धना के टाइम पर, ये भी जो है जानकारी देते हैं इन अजंता केव्स के बारे में। ये दोनों कौन थे, फाहीन और ह्यूनसांग, ये दोनों के दोनों कौन थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे जो इंडिया आए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है अजंता केव्स से रिलेटेड, दैट इन 1983 में जो है अजंता को क्या कर दिया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसका नाम आ गया था। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, यह आप याद रखिएगा कि अब ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यहाँ पर। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको कब डिक्लेयर करा, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983 में जो है इसको यहाँ पर क्या करा गया, डिक्लेयर करा गया था। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे यहाँ पर आगे चल करके अजंता आर्ट को समझेंगे, अजंता आर्किटेक्चर को हम यहाँ पर समझेंगे। ओके, सो अगर अजंता की बात करें हम, तो जो अजंता आर्ट है उसके अंदर हर तरीके का आर्ट हमें देखने को मिलता है, चाहे वो केव आर्किटेक्चर हो गया, चाहे वो स्कल्पचर्स हो गए, ठीक है, या हो गई पेंटिंग्स। ठीक है, ये सब चीजें जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर आपको बुद्धिस्ट की बारे में हम बात करें, तो बुद्धिस्ट के टाइम से ही आपको पता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते थे, या इन लोगों के लिए जो काफी ज्यादा केव आर्किटेक्चर्स कराए जाते थे फ्रॉम द टाइम ऑफ बिम्बिसार, या कहें फ्रॉम द टाइम ऑफ मौर्यंस, मतलब एंशियंट टाइम से ही जो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए केव आर्किटेक्चर्स बहुत ज्यादा फेमस थे, और केव आर्किटेक्चर बहुत ही लंबे समय से होते आ रहे थे। तो सबसे ज्यादा अगर हम अजंता वाले एरिया की बात करें, जो यहाँ पर हमें क्या नाम है, केव आर्किटेक्चर देखने को मिला है, वो दो फेजेस में हुआ है मेनली। सबसे पहले तो हुआ वो सातवाहनास के टाइम पर, ठीक है, 225 AD तक, और उसके अलावा जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो रहा वो रहा वकटकास के टाइम पर, ड्यूरिंग 4th and 6th century AD, यानी गुप्ता एरा के साथ साथ। ठीक है, अगर हम बात करें केव आर्किटेक्चर के अजंता के, तो जो अजंता केव्स हैं उसको काफी सारी केव्स हैं, और उनको सह्याद्री हिल्स जो है, वेस्टर्न घाट जो है, उसको जो है कर्व करके, यानी कि उसकी कर्विंग करके जो है वहां पर इनको केव्स को बनाया गया है। ठीक है, और जो ये केव्स हैं, ये किनके द्वारा, किनको कार्व करके बनाया गया है, ये जो है इग्नियस रॉक्स, बेसाल्ट जैसे रॉक्स को जो है क्या करके बनाया गया, एक्यूमुलेट करके जो है इनको बनाया गया है। 30 केव्स हैं जनता पे, 30 या 29 कह लीजिए आप, ठीक है, ये केव्स हैं वहां पर। और इन केव्स के अंदर जो है अलग अलग बहुत सुंदर तरीके से इनके अंदर पिलर्स, रूफ्स, और जो है मूर्तियां जो है रॉक्स के द्वारा जो है रॉक में से कार्व्ड आउट करी गई हैं, और इसके अलावा जो है पेंटिंग्स भी जो है बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर करी गई है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट केव्स की बात करें, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस करा था कि जो है केव्स हैं टोटल 29, इन 29 केव्स में से क्या है यहाँ पर, जो 25 है वो कौन है, वो है विहार या मोनेस्ट्रीज हैं वो, ठीक है, जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। और जो 4 है वो क्या है, 4 है चैत्यास, ओके, 4 यहाँ पर चैत्यास है, जो यानी कि प्रेयर होल्स, जहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क क्या करते थे, प्रे करते थे। तो अगर हम बात करें सातवाहना टाइम में, तो जो केव नंबर 9 और 10 है सातवाहना पीरियड की, वो क्या थे, वो चैत्यास थे, और बाकी सारे क्या थी, जितनी भी अदर केव्स हैं वो थी मोनेस्ट्रीज, विहार थे वो। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखने को मिल रही होंगी ये केव्स, देखिए पहाड़ हैं, वेस्टर्न घाट्स हैं ये, और इनको कार्व्ड आउट करके जो है क्या बनी गई है यहाँ पर, ये केव्स बनाई गई हैं, ये अलग अलग केव्स हैं, देखो आप कितनी सारी, और इन्हीं को 1 2 3 4 5 6 लेकर के 29 तक इनका नंबर दिया गया है। यहाँ पर आपको देख रहा होगा कितनी सुंदर जो है कार्विंग करी है, देखो यहाँ पर, ठीक है, एक एंट्रेंस गेट बनाया है, उसके अलावा यहाँ पे पिलर्स भी दिख रहे हैं वहाँ होंगे आपको, और इनके अंदर जो है बहुत ही सुंदर तरीके से अंदर जा करके पेंटिंग्स मिली हैं, और बहुत ज्यादा स्कल्पचर्स मिले हैं, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स इनके अंदर मिले हैं हमें। तो
तो जो ये केव्स थी, ठीक है, इन केव्स में 9 और 10 जो है, अगर हम बात करें किनके टाइम पे, सातवाहना के टाइम पे, वो क्या थे, चैत्या थे, और यानी कि वर्शिप हॉल थे। और उसके अलावा जो है, इनके अंदर बहुत सुंदर सुंदर हमें पिलर्स देखने को मिले हैं, स्तूपास देखने को मिले हैं, और उनके पीछे कलरफुल पेंटिंग्स हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके अलावा जो केव नंबर 9, 26 और 29 है वकाटक पीरियड की, ये भी चैत्यास थे, ठीक है, बाकी सब क्या थे, विहार थे। तो यहाँ पर 9, 10 और 19, 26 और 29 ये क्या हो गए, चैत्य हो गए, यानी प्रेयर हॉल्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी और हैं 25, वो क्या है, विहार हैं वो लोग, ठीक है। अगर हम इन केव्स की बात करें जो कि हमें वकाटक पीरियड में देखने को मिली है, वो स्क्रप्चर्स के तौर पर, ऑर्नामेंटेशन के तौर पर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है, और इनके अंदर हमें महायान सेक्ट का जो है प्रोफ्यूशन देखने को मिलता है, यानी कि इन केव से जो है हमें महायान बुद्धिज्म के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। कुछ जो केव्स हैं वो डबल स्टोरी भी यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसके अंदर 6 नंबर केव एंड 27 नंबर केव जो है वो क्या है, डबल स्टोरी है। देखिए जो ये कुछ केव्स के यहाँ पर नंबर लिए गए हैं ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा डिफरेंट है ये अदर केव्स के मुकाबले। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जैसे कि केव नंबर 6 और केव नंबर 27 क्या है, वो डबल स्टोरी है, और इसके अलावा सारी केव्स क्या है, वो सिंगल स्टोरी है। अब आप देखिए, अगर स्कल्पचर्स की बात करें तो इस तरीके से जो है ये अंदर स्कल्पचर्स आपको देखने को मिलेंगे, दीवारों के ऊपर बने हुए, जो कि बोधिसत्व के बारे में बताते हैं, बुद्धा की लाइफ के बारे में बताते हैं, और साथ साथ जटाकर टेल्स के बारे में यहाँ से जानकारी मिलती है हमें। अब बात करेंगे इन विहार्स की, मोनेस्ट्रीज की बात करेंगे, तो जो ये केव्स होती थी, जैसे कि हमने अभी पीछे चैत्यास का डिस्कस कर लिया कि जो है उनमें 4 या 5 चैत्यास थे। अब जो विहार से मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ पर ये लोग बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे, तो जो ये केव हैं ज़्यादातर ये बनाई गई सेकंड फेज में, ठीक है। और इनका जो शिफ्ट हुआ वो देखने को मिल रहा, हिनयान सेक्ट से सीधा ये शिफ्ट किस में हो गई, महायान सेक्ट में, क्योंकि इस टाइम तक जो है कुषाण के बाद जब कनिष्क वाली 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उसमें हमने देखा था किस तरीके से महायान बुद्धिज्म का निकल करके आया था महायान बुद्धिज्म। तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, भाई शिफ्ट देखने को मिल रहा है, प्रोफ्यूशन देखने को मिल रहा है फिगर्स में, किसका, महायान बुद्धिज्म का। उसके अलावा जो है अगर इन केव्स की बात करें, मोनेस्ट्रीज की बात करें, विहारों की बात करें, इनके अंदर क्या थे, कॉलोनेडेड पोर्च थे, ठीक है। ये देखो आप, ये किस तरीके से पोर्च बना हुआ है यहाँ पर, साथ साथ जो है 3 एंट्रेंस डोर्स थे, यानी कि 3 बड़े बड़े दरवाजे थे जहाँ से इनमें एंटर करा जा सकता था। और इनके अलावा जो है इनके सेंटर में, विहार के सेंटर में क्या थे, एक तरीके से स्क्वायर रेक्टेंगुलर आसल्स थे हर साइड पर, ठीक है। और इनके अंदर जो है स्मॉल मोनेस्टिक सेल्स देखने को मिलते हैं, या कहें डॉर्मेट्रीज देखने को मिलती हैं, जिनके अंदर कौन रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क रहते थे। आप ये देख सकते हैं, ये गेट हो गई, या इनके अंदर जो है कौन रहते थे, बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे। तो ये विहार जो हो गए, या चैत्यास जो हो गए, इनके अंदर हमें बहुत ही सुंदर तरीके से स्कल्पचर ऑर्नामेंटेशन देखने को मिला है, यानी स्कल्पचर्स बने होते थे, जो कि आप पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, ये दीवारों के ऊपर कितने सुंदर सुंदर जो हैं बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड हो गए, या बोधिसत्व हो गए, जटाकाज हो गई, और अलग अलग इंस्क्रिप्शन जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं इनके अंदर, ठीक है। वहीं अगर हम आगे चल करके अब थोड़ा सा मुराल पेंटिंग्स के बारे में बात करें यहाँ पर, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं अजंता केव्स की, तो मुराल का क्या मतलब है, अब आप लोगों के माइंड में यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूराल। म्यूराल का मतलब होता है कि जो पेंटिंग डायरेक्टली वॉल पर कर दी जाए, ठीक है, सीधा का सीधा कहाँ कर दी जाए, वॉल के ऊपर कर दी जाए, उसको क्या बोलते हैं, म्यूरल बोला जाता है, ठीक है। तो म्यूरल पेंटिंग का मतलब है द पेंटिंग विच इज डायरेक्टली डन ऑन द वॉल्स, ठीक है। अगर हम बात करें अजंता केव्स की, तो एक्सक्विजिट स्कल्पचर्स के अलावा जो है काफी सारे ब्यूटीफुल म्यूरल्स भी जो है हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो वॉल्स हो गई, या सीलिंग्स हो गई, या डोर फ्रेम्स हो गए, या पिलर्स हो गए, इन सब के ऊपर अलग अलग पेंटिंग्स हमें देखने को मिली हैं। तो जो पेंटिंग्स हैं, खैर वो ज्यादातर तो सभी केव्स में होती थी, बट वो टाइम के साथ साथ क्या हो गई हैं, गायब हो गई हैं, अब नहीं मिले हैं, बट कुछ जो है उनमें से सर्वाइव करती हैं, जो कि हमें 6 केव्स में देखने को मिलती हैं, 1, 2, 9, 10 एंड 16, 17 इन केव्स में जो हमें देखने को मिलती हैं पेंटिंग्स। वहीं जो 9 और 10 केव्स हैं, ये कब के टाइम की हैं, ये सातवाहना टाइम की हैं, फर्स्ट फेज को बिलोंग करती हैं ये, ठीक है। तो इनके अंदर जो है हमें अलग तरीके से पेंटिंग देखने को मिलती है कंपेयर टू अदर वन, ओके, अदर 4। अब बात करें अगर सेकेंड फेज की जो पेंटिंग्स करी गई हैं, उन पेंटिंग्स को जो है टेक्निक जो है, ये कब को बिलोंग करती हैं सेकेंड फेज वाली, ये करती हैं वकाटक पीरियड।
वहीं इन पेंटिंग्स की जो टेक्निक यूज करी गई है वो टेक्निक है फ्रेस्को सिको टेक्निक, जो है यहाँ पर यूज करी गई है। अब फ्रेस्को सेस्को सेको का क्या मतलब है? फ्रेस्को सेस्को का सेको का मतलब है कि जो पिगमेंट्स यूज होते हैं या जो कलर्स यूज होते हैं वो कैसे हैं, उन पिगमेंट्स को डायरेक्टली जो है ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ क्या कर दिया जा रहा है, मिक्स करके जो है और ड्राई प्लास्टर्स के ऊपर क्या करा जा रहा है, पेंट करा जा रहा है। इस टेक्निक को बोला जाता है फ्रेस्को सेको। अब आपको मैं नीचे समझाऊंगा वो कैसे क्या करा जाता था। पहले जो है थिक लेयर बनाई जाती थी किसकी, मिट्टी की, और उस थिक लेयर के ऊपर जो पेंट करा जाता था वो कैसे करा जाता था, उस थिक लेयर के अंदर मिट्टी के अंदर क्या करा जाता था, वेजिटेबल मटेरियल यानी ऑर्गेनिक मटेरियल जो है क्या करा जाता था, मिक्स करा जाता था, और उसको सीधा जो है रॉक के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता था। और उस रॉक के ऊपर अप्लाई करने से पहले क्या करा जाता था, एक कोट, थिन कोट लगाई जाती थी प्लास्टर की। इससे क्या हो रहा है, इस तरीके की चीज को बोला जाता है क्या, फ्रेस्को सेको टेक्निक ऑफ पेंटिंग। ठीक है, जो प्लास्टर करके जो है उसके ऊपर जो पेंट करा जाता था वो क्या होता था, नेचुरल जो पिगमेंट्स होते थे यानी कलर्स जो होते थे उनको ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि वेजिटेबल मटेरियल टाइप जो है इन सब के साथ मिक्स करके करा जाता था। वहीं अगर हम ब्रशेस की बात करें जो इस टाइम पर यूज होते थे, वो ब्रशेस बने होते थे एनिमल्स के हेयर से। ठीक है, एनिमल हेयर से जो है ये ब्रशेस बने गए होते थे। तो इस तरीके से काफी सुंदर सुंदर म्यूरल पेंटिंग्स हमें जो है यहाँ पर देखने को मिली हैं। आप ये देख सकते हैं दीवारों पे किस तरीके की पेंटिंग हो रही है, देखो ये वॉल से निकल रही है और ये ऊपर जो है सीलिंग्स की तरफ जा रही है, ये इस तरीके से है, ये मतलब कर्व्ड है, ये ऊपर सीलिंग्स की तरफ जा रही है ये पेंटिंग। ठीक है, अब बात करेंगे कि क्या सीन्स जो है इनके ऊपर दिखाए गए होते थे, क्या नैरेटिव होता था इन सीन्स का। आप देखो ये क्या है, गेट है, जैसे एंट्रेंस गेट है ये किसी सेल का, और इसके आसपास जो है क्या हो रही है, दीवार पे पूरी की पूरी म्यूरल पेंटिंग हो रखी है। तो अब देखेंगे हम सीन्स का कि क्या क्या चीजें जो है इन पे डिपेक्टेड थी, क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो नरेटिव सीन्स जो होते थे मेनली जो होते थे वो क्या होते थे, बुद्ध की लाइफ से, बोधिसत्व के बारे में जानकारी देते थे, और कुछ जो है जताका स्टोरीज भी होती थी। क्या होती हैं जताका, जो कि बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड जो है चीजों के बारे में जानकारी देती हैं, बुद्ध के बर्थ से लेकर के उनकी लाइफ से लेकर के उनकी डेथ तक के सीन्स के बारे में जो स्टोरीज हैं वो है जताका स्टोरीज, और वही जो है क्या है इन वॉल्स के ऊपर हमें देखने को मिली है। उसके अलावा जो है यहाँ पर हमें यक्ष भी देखने को मिले हैं, गंधर्व देखने को मिले हैं, और अप्सराओं की पेंटिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इन रिलीजियस सीन्स के अलावा भी जो है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिले हैं डे टू डे लाइफ का, कि एवरीडे लाइफ में क्या चीजें होती हैं, क्या सीन्स होते हैं सिटीज में विलेजेस में, वो भी यहाँ पर पेंटेड होते थे। ठीक है, कैसे हमें इनके बारे में पता लगता है, क्योंकि हमें काफी सारे जो है ट्रीज देखने को मिले हैं, फ्लावर्स देखने को मिले हैं, एनिमल्स के बारे में जानकारी मिली है, उनकी पेंटिंग्स देखने को मिले हैं जिसमें एलिफेंट्स मंकीज डियर्स हेयर्स ये सब जो है यहाँ पर पेंटेड होते थे। और इन सब के अलावा जो है डेकोरेटिव पैटर्न्स भी इनको बनाए जाते थे इन पेंटिंग्स में। तो यहाँ से जो है हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिलीजियस सीन्स पता लग रहे हैं, डेली लाइफ के बारे में पता लग रहा है, और साथ साथ जो है फ्लोरा एंड फौना भी पेंटेड होता था विद डेकोरेशंस। ओके, जो ये पेंटिंग्स होती थी ये क्या है, नरेटिव पेंटिंग्स होती थी, यानी कि ये स्टोरीज बताती थी और एपिसोड्स में चलती थी ये। ठीक है, कि पहली पेंटिंग जो है दिखाया कि उसमें सपोज बुद्ध का बर्थ हुआ, दूसरी पेंटिंग दिखाई कि उसके बाद बुद्ध ने जो है घर छोड़ा और वो बाहर की तरफ निकले, तो अलग अलग, या अगर डेली लाइफ को किसी की दिखा रहे हैं तो बता रहे हैं उसमें कि कैसे जो है एक फार्मर जो है वो खेती कर रहा है, या कोई भी चीज मतलब जो डेली लाइफ में हो रही होती है इनके बारे में जानकारी होती है इन पेंटिंग से मिलती है, नरेटिव है इन पेंटिंग्स के अंदर। साथ साथ जो है ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स भी जो है यहाँ पर बताया गया है इन पेंटिंग्स में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इन पेंटिंग्स की, तो इनके अंदर हमें एक फाइन बैलेंस देखने को मिला है मटेरियल में, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ठीक है, तो दोनों चीजों में क्या है, एक बैलेंस देखने को मिला है, क्योंकि रिलीजियस लाइफ के बारे में भी बता रही है ये और डेली लाइफ के बारे में भी बता रही है ये। वहीं हम बात करें इस टाइम के आर्टिस्ट की, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से जो है शेडिंग और हाइलाइटिंग करी है पेंटिंग्स की, उनको एक ल्यूमिनस ग्लो दिया जाए जिससे कि उनको एक बहुत ही सुंदर तरीके से जो है दिखाया जा सके, और बहुत अलग अलग स्टाइलिस्टिक डिफरेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो अगर हम बात करें ये केव आर्किटेक्चर की, या जो स्कल्पचर्स हमें पेंटिंग्स हमें अजंता में से देखने को मिली हैं, ये क्या है, बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट का इनको मास्टरपीस बोला जाता है, क्योंकि ये, और इसी वजह से जो है ये 1983 में क्या हुआ था, इनको डिक्लेयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है इनको यहाँ पर डिक्लेयर करा गया था 1983 में।
तो इससे जो है हमें क्या पता लग रहा है इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में, और ये आज भी प्रेजेंट में भी क्या है, एक बहुत सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है, ये काफी लोग यहाँ पर जाते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह के जो कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये क्या है, एक विलेज लाइफ का सीन है जिसमें कि पता नहीं शायद से हंटिंग दिखाई गई है, उसके अलावा ये घर का सीन है या कोई फंक्शन का सीन है इस तरह के से, ठीक है। वहीं आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे काफी अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर पेंटेड है। वहीं अगर इनकी बात करें इन पेंटिंग्स की, तो देखो इसमें बुद्ध की लाइफ के बारे में जानकारी मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग चीजें। और ये ऊपर देखो आप कैसे सुंदर सुंदर डेकोरेटिव पैटर्न्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये सब जो पेंटिंग्स हैं, ठीक है, ये कौन सी टेक्निक से बनाई गई हैं, फ्रेस्को सेको टेक्निक से ये पेंटिंग बनाई गई है, जो कि मैंने आपको समझाई कि क्या होती है फ्रेस्को सेको टेक्निक, और ये क्या है, म्यूरल पेंटिंग्स हैं, यानी सीधा दे आर डायरेक्टली पेंटेड ऑन द वॉल्स, इसके बारे में मैंने आपको समझाया। आज के सेशन में जो है हमने डिस्कस करा किनके बारे में, वकाटकास के बारे में डिस्कस करा, और अजंता आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में हमने डिस्कस करा। और जो अजंता आर्ट है वो सबसे ज्यादा जो प्रॉस्पर हुआ वो किसके टाइम पर हुआ, फ्लरिश, सबसे ज्यादा फ्लरिश किसके टाइम पर हुआ, सातवाहनास के टाइम पर फर्स्ट फेज में, और वकाटकास के टाइम पर सेकंड फेज में, जिसमें कि जो हरिशयन है सेकंड वकाटका किंग वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे अजंता आर्ट को सपोर्ट करने में। सो किसी का यहाँ पर कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे से फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज का सेशन जो है यहाँ पर खत्म हो रहा है हमारा, किसी का कोई भी डाउट है प्लीज मेरे से फटाफट से पूछिए। कल के सेशन में जो है हम बात करेंगे चालुक्यास के बारे में और पल्लवास के बारे में, कल के सेशन में हम लोग बात करेंगे ना नेक्स्ट सेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टूडे सेशन गाइस। किसी का कोई भी डाउट है प्लीज फटाफट से मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपने मेरा ये 3 आवर्स का मैराथन सेशन नहीं देखा है, जो कि पिछले संडे को, अभी लास्ट संडे जो भी पीछे गया 19 जुलाई को, इसमें हुआ था रैंक सिक्योर आईएएस यूट्यूब चैनल पर, और इसके अंदर मैंने क्या करा है, हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया जो कि सतीश चंद्रा वाली बुक है उसके एंटायर समरी, उसको आपको समझाया है सिंप्लीफाइड वे में, और हमने उसका फर्स्ट पार्ट जो है कवर अप कर लिया है, 11 चैप्टर्स जो है बुक के कवर कर लिए हैं सेशन में। अगला सेशन जो होगा वो होगा नेक्स्ट अपकमिंग संडे, जो संडे आ रहा है 26 जुलाई को, उसमें जो है 12 बजे अगला 3 आवर्स का मैराथन सेशन रहेगा, जिसमें हम आगे के पार्ट को जो है बुक के कवर करने वाले हैं। जिसने नहीं देखा है ये प्लीज जाकर के जरूर देखिए। और बिफोर एंडिंग अप द कोर्स देयर इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन इज दैट अन अकेडमी इज कमिंग अप विद द 3 मेगा बैचेस, 3 डायनामिक बैचेस दैट विल हेल्प यू इन कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी 2021। ये बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 27 जुलाई यानी कि मंडे से। और अगर इन बैचेस के बारे में बात करें तो 3 तरह के बैचेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जिसमें कि बायलैंगुअल जीएस बैच कोर्स जो कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा, दूसरा है हिंदी जीएस बैच कोर्स जो कि प्योर हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, और तीसरा है इंग्लिश जीएस बैच कोर्स जो कि प्योर इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। इनके अंदर आपको फुल सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज मिलेंगे विद एनालिसिस, साथ साथ डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन होगी। जब भी आप ये बैचेस ज्वाइन करें यानी अकेडमी पर सब्सक्राइब करें, जब आप हमारा दिया गया रेफरल कोड रैंक 10 यूज करेंगे तो 10% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर इनके सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताऊं यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको, तो अलग अलग मंथली ड्यूरेशन के सब्सक्रिप्शन प्लान्स आप ले सकते हैं, 6 मंथ से लेकर के 24 मंथ्स तक के यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स आपको मिलेंगे। और इन प्लान्स के अंदर जो है आप अप्रॉक्स 25% से लेकर के जो है 67% तक की आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको जो है अगर बात नो कॉस्ट ईएमआईएस का ऑप्शन भी मिल रहा है, यानी कि आपको हैंड टू हैंड पे करने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू योर सब्सक्रिप्शन प्लान यू कैन पे इन ईएमआईएस आल्सो, ठीक है। वहीं अगर हम देखें 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बात करें, जिसकी कॉस्ट है 44,000, अगर आप हमारा दिया गया रेफरल कोड रैंक 10 यूज करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर 10% का डिस्काउंट, और ये 44,000 वाला कोर्स आपको पड़ेगा 39,600 में। सो कोई भी क्वारीज है आपकी तो इस नंबर के ऊपर कॉल या व्हाट्सएप करिए, जाइए जाकर के अकेडमी प्लस सब्सक्राइब करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करिए। अगर आपने मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल क्रैश कोर्स सीरीज के, उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन है। वहीं अगर बात करें हमें नोट्स की, तो आपको जो है नोट्स का पीडीएफ जो है मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज जाकर के वो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करिए, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन गाइज, गुड लक, गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट सेशन में जो है अपकमिंग सेशन में जो है हम लोग बात करेंगे चालुक्यास के बारे में एंड पल्लवास के बारे में।